कि पटना जंक्शन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। एक जलालगढ़ बेगमपुर पूर्णिया का रहने वाला है, उसके पास चला कि उनकी पत्नी का अवैध संबंध किसी के साथ चल रहा है। 51 मिनट पे एक सूचना दी गई हमारे SRP कंट्रोल को, पटना जंक्शन पर स्थित है, कि पटना जंक्शन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। एक फोन मोबाइल नंबर 8210873730 के द्वारा धमकी दी गई है कि पटना जंक्शन को बम से उड़ा दिया जाएगा। इस आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए रेल पुलिस पटना द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें कि श्रीमती भावना वर्मा रेल पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में किया गया। उस टीम में श्री सुशांत कुमार चंचल रेल पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, श्री गोपाल मंडल पुलिस निरीक्षक थानाध्यक्ष पटना जंक्शन, सोनी संजय कुमार रेल थानाध्यक्ष रेल थाना पटना जंक्शन, और तकनीकी टीम के रोहित कुमार सिंह उनके टीम के सदस्य, इनके द्वारा कार्रवाई की गई। लगातार इनके द्वारा कार्रवाई की जा रही थी और उस अज्ञात के विरुद्ध पटना जंक्शन में कांड दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया गया। अनुसंधान के क्रम में वैज्ञानिक तरीके से जब अनुसंधान किया गया तो पता चला 8210873730 मोबाइल, इसका किसी अज्ञात जिसके द्वारा किया जा रहा है, वो सहरसा, उसका लोकेशन पाया गया। और वो सिम धारक का नाम दीप शंकर कुमार, पिता रामनाथ पासवान, साकिन खरपुर, थाना तुर्की, जिला मुजफ्फरपुर पाया गया। जब इनसे संपर्क किया गया और इनको पूछताछ किया गया संपर्क करके, तो इनके द्वारा बताया गया कि वे पूजा कुमारी नाम की लड़की से योजो ऐप के जरिए संपर्क में आए और उन्होंने इस सिम को पूजा कुमारी को उपयोग करने के लिए दिया था। कालांतर में पूजा कुमारी की शादी राजेश कुमार रंजन, पिता पवन कुमार, साकिन मुसरनिया, वार्ड नंबर 2, थाना सौर बाजार, जिला सहरसा के साथ हुई। और वहाँ पर उनके पति को पता चला कि उनकी पत्नी का अवैध संबंध किसी के साथ चल रहा है, और एक अन्य व्यक्ति प्रेमी चंद्र किशोर जी जलालगढ़ बेगमपुर पूर्णिया का रहने वाला है, उसके साथ चल रहा था। इसमें आवेश में आकर उनके पति राजेश कुमार रंजन द्वारा डांट फटकार करते हुए और उनका सिम, उनकी पत्नी के नाम पर जो सिम था, जो सिम था ये दीप शंकर कुमार के नाम पे, उस सिम जो कि पूजा कुमारी यूज कर रही थी उनकी पत्नी, उस फोन से PCR पटना में फोन करके पटना जंक्शन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। उनसे जब यहाँ से विशेष टीम प्रस्थान की तो सहरसा में खास करके उसका वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए और लगातार उसका साइंटिफिक तरीके से अनुसंधान किया गया, और अंततः सहरसा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संतोष कुमार, पुलिस निरीक्षक सुधाकर कुमार, प्रभारी पुलिस शिविर बैजनाथपुर पुवानी संजय दास, अरुण कुमार पुवानी अरुण कुमार पुलिस शिविर बैजनाथपुर, पुस्वानी योगेंद्र भगत, पुस्वानी रमेश सिंह सदर थाना सहरसा एवं सहस्त्र बल, इनके द्वारा लगातार पटना रेल पुलिस के संपर्क में रहते हुए कार्रवाई करते हुए और जो इस कांड के अभियुक्त मुख्य अभियुक्त राजेश कुमार रंजन, पिता पवन कुमार, साकिन मुसरनिया, वार्ड नंबर 2, सौर बाजार, जिला सहरसा, सहरसा टाउन से गिरफ्तार किया गया। और उसे विशेष पूछताछ में पता चला ये व्यक्ति तुरंत ही उस सिम को ऑफ कर दिया गया और बदल बदल के उसी समय में 1 घंटे के अंतराल में ही अन्य 3 सिम का इसके द्वारा उसको उपयोग किया गया। तो लगातार उसमें कर रही है, यहाँ की विशेष टीम अभियुक्त को वहाँ से लाने के लिए प्रस्थान कर चुकी है और ये उनसे भी विशेष पूछताछ किया जा रहा है। जो सिम नंबर दीप शंकर कुमार के साथ था उनसे भी विशेष पूछताछ किया जा रहा है। गिरफ्तारी उनकी राजेश कुमार रंजन की गिरफ्तारी हो चुकी है। सर क्या करता है? उसने धमकी दिया था, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। सर आखिर वजह क्या थी? जांच में क्या सामने आया कि कॉल करने का क्या वजह था? उनका कॉल करने का वजह था, पूजा कुमारी अभियुक्त राजेश कुमार रंजन की पत्नी है और वो चली गई थी दूसरे के पास, प्रेमी चंद्र किशोर के पास पूर्णिया कराने वाले, और उनका पूजा कुमारी का संबंध दीप शंकर कुमार के साथ भी था जो मुजफ्फरपुर के थे, जिनके नाम पर सिम था ये 8210873730। तो ये बहुत बेहद नाराज हो गए और इन्होंने आवेश में आकर इन्होंने फोन कर दिया पटना PCR को और कि बम से उड़ाने की धमकी दी गई। सर फोन करने वाले करते क्या था या वो हार्डवेयर में है? ये भगौड़ा है CRPF के और ये अभी वर्तमान में सहरसा में हार्डवेयर की दुकान में कार्य कर रहे हैं। किस कारण उनको भगौड़ा घोषित किया गया था? ये अभी जांच की जा रही है, इस पर जानकारी जुटाई जा रही है। महज 11:51 के बाद महज 5 घंटे के अंदर ही सुबह में 4 बजे के लगभग में गिरफ्तारी इनकी हो गई।
आप क्या शब्दों में समझा, आप इसको क्या समझते हैं? लव एंड हेट का मामला समझते हैं? क्योंकि रेलवे में बम जो है ये आज़ादी के पहले से इस्तेमाल होता जा रहा है, होता आया है ऑलवेज। सेफ्टी जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है। आप एज ए रेल एसपी इसको कैसे देखते हैं? इसमें जब भी सूचना मिलती है तो हम उसमें त्वरित कार्रवाई करते हैं, उसकी सघन तलाशी लिख देते हैं, जो कि की गई है कल रात्रि में भी, आज में भी, आज भी की गई है, लगातार सघन तलाशी ली गई है। GRPF टीम, RPF टीम, डॉग स्क्वाड, होम स्क्वाड के द्वारा लगातार तलाशी की गई रात्रि में भी। जितने भी पार्किंग एरिया है, सर्कुलेटिंग एरिया है, जो आपके आपके पार्सल के एरिया है, टॉयलेट का एरिया है, जो भी लवारिस है, ये रूटीन भी होता है हम लोग के यहाँ, और कल भी की गई और आज भी की जा रही है। ट्रेन को रोका गया था क्या? 70 मेजर लगातार की जा रही है, और बाकी जो कॉल करने वाले थे उनका डिटेक्शन करके, उसकी पहचान करके, उसकी गिरफ्तारी की गई। ट्रेन का परिचालन रोका गया क्या कुछ समय के लिए रात्रि में? जब तक कि एक घंटे करीब हम लोग को लगा था, तो उतना समय एहतियात बरतने के लिए दोनों साइड से ट्रेन के परिचालन को रोका गया, और सैनिटाइज करके रात्रि में ही मुश्किल से एक घंटे के अंतराल में ही परिचालन शुरू कर दिया गया। पहले भी कभी इस तरह का घटना उसने किया है? यह अभी जानकारी जुटाई जा रही है। ये प्लानिंग कैसे हुआ था, कैसे उनको दिमाग में आया? उनके दिमाग में उनकी पत्नी से झगड़ा हुआ, उनकी पत्नी चली गई पूर्णिया किसी और के साथ, उसका अवैध संबंध प्रायर उनके दीपशंकर नाम के व्यक्ति से था, इसमें वो आवेश आकर उन्होंने पटना जंक्शन को बम सुनाने की धमकी पत्नी के मोबाइल से।